जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वे सभी किन्हान को रिवाइव करने के लिए लाइफ एंड क्रिएशन फॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ मर्सी और लुई तेरा के बीच हो रही फाइट में लुई तेरा मारा जाता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहां सेन और मर्सी घोस्ट मैसेंजर झाओ डियान लियांग को बुलाते हैं। वो पर्सन आते ही सेन को ग्रीट करता है और अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, जिसके बाद सेन झाओ से पूछता है कि लैंडस्केप मैप को कैसे बनाया जाता है और नाइन हेवन में तीन ग्रेट इमोर्टल फायर को लिया गया है और इन तीनों पिक्चर्स को ही फ्लोटिंग लाइफ डायग्राम कहते हैं। तब झाओ बताता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेम के साथ रिएक्शन करवाकर इन तीनों फायर्स को निकाल सकते हैं। ये सुनकर मर्सी सेन से कहती है कि मास्टर, आपके टेंटिकल में भी पावरफुल फ्लेम मौजूद है। तब सेन कहता है कि अरे हाँ, मेरे पास लाइफ एंड डेथ बुक से प्राप्त ब्लैक फ्लेम है, जिसके बाद सेन झाओ को वापस जाने को कह देता है, जिसके बाद झाओ वहाँ से चला जाता है। और तब मर्सी कहती है कि आखिरकार हमने रास्ता ढूंढ ही लिया। देन सेन कहता है तो चलो फिर शुरू करते हैं। देन सेन अपने पास के दोनों मैप को निकाल लेता है और फिर मर्सी भी अपने पास के एल्केमी मैप को निकाल लेती है और तीनों पिक्चर्स को एक रो में अरेंज करके सेन भी वहीं नीचे बैठ जाता है और अपने रेड घड़ी को अलग कर ब्लैक फ्लेम को रिलीज करता है, जिसके बाद वो ब्लैक फ्लेम एक एक करके तीनों पिक्चर से फेरी फायर को बाहर निकालने लगती है, जिसमें सबसे पहले ब्लू फायर, देन गोल्डन फायर। गोल्डन फायर को देखकर मर्सी बेहद एक्साइटेड नजर आती है और कहती है कि यह लाइफ पिक्चर तो काफी सुंदर है। देन आखिरकार लास्ट में लास्ट पिक्चर से भी रेड फायर को बाहर निकाल लेते हैं। अब सेन उन तीनों फेरी फायर को हाथ में लेकर मर्सी को देते हुए कहता है कि अब तुम इन तीनों फायर्स को एक्सेप्ट करो, और मर्सी भी खुशी खुशी उन तीनों फायर्स को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद तीनों पिक्चर मर्ज होकर एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। जब सेन उस पिक्चर को खोलकर देखता है तो वो बेहद हैरान होता है और कहता है ये क्या, तीनों पिक्चर को मिलाने के बाद ये तो एक ब्लैंक पिक्चर बन गई। और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर लिविंग हॉर्स का इलाज एक डेड हॉर्स ही कर सकता है तो ये भी ठीक है। जिसके बाद सेन फीजी और किन्हान के पास जाने के लिए फ्लोटिंग पीक के पास आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस पीक के नीचे रखे कॉफिन के ऊपर तो ब्लड कॉर्प्स है और वो उस पीक को डिस्ट्रॉय कर रिवर साइकिल को रोकना चाहता है। तब सेन मर्सी को कोई और रास्ता ढूंढने का कहता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो जाने के बाद तुम हमारे पास आ जाना, और मर्सी वहां से चली जाती है। अब सेन बायू को उठाता है जो काफी टाइम से लू युकाई की बॉडी में बेहोश थी। बायू उठते ही अपना हैवी शील्ड से ब्लड कॉर्प्स पर अटैक कर देती है और सेन वहां से निकलकर किन्हान के पास आ जाता है। उस पिक्चर को देखकर व्हाइट फॉक्स कहता है कि यह तो खाली है, इसका मतलब लोग सच कहते थे कि यहां का हाथी अदृश्य है और इसमें दुनिया की हर चीज है। यूनिवर्स के 8 वेस्टेड स्कॉलर होम सब इसी में है। देन सेन पूछता है कि अब हमें क्या करना है। तब व्हाइट फॉक्स कहता है कि इस पर ब्लड की ड्रॉप गिराओ और कन्फेशन करो, और ऐसे करते समय तुमको यह सोचना होगा कि तुम इस कीमती स्क्रॉल को किसी दूसरे को दे रहे हो और बाहुजोह की मृत्यु हो गई है और जिसे दे रहे हो वो जीवित है। देन सेन किन्हान का हाथ काटकर उसके ब्लड की कुछ बूंद को उस स्क्रॉल में गिराता है। किन्हान की ब्लड की कुछ बूंद गिरते ही उस पिक्चर में डायग्राम बनने लगते हैं और वो पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। तब सेन कहता है कि मेरे ख्याल में यह स्क्रॉल मेरे फ्रेंड से ज्यादा कीमती नहीं है, लोग स्नेही और इंटेंशनल है, वे अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, यह रिश्ते ही मन है और खजाना है। देन व्हाइट फॉक्स भी कहता है कि हमारे डेमन क्लेन में भी एक ही रूल्स है, अगर जीना है तो अपने दम पर ही जियो, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वो पिक्चर किन्हान में चली जाती है और थोड़ी देर में किन्हान को होश आ जाता है और वो होश में आते ही कहता है कि मैं कहाँ हूँ। अभी अभी रिवाइव होने के कारण किन्हान काफी वीक है, इसीलिए सेन उसे पिकी राइड देता है और फिजी से कहता है कि बायू अभी मुसीबत में है, वो ब्लड कॉर्प्स को संभाल रही है। जिसके बाद हम बायू को देखते हैं जो अभी भी ब्लड कॉर्प्स पर अटैक कर रही होती है, और तभी वहाँ सेन भी आ जाता है और बायू से कहता है कि भागो, यहाँ से बाहर चलो। और हम देखते हैं कि वो जगह कोलैप्स होने लगती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह पर रुककर वापस उस जगह को देखते हैं। वहाँ के नज़ारे देखकर व्हाइट फॉक्स कहता है कि यह टॉम कोलैप्स होने वाला है, वैसे तो ये सबको दिख रहा होता है लेकिन इसका बताना जरूरी था। देन सेन मर्सी और फिजी से कहता है कि तुम दोनों रिकुपरेट यानी कि स्वस्थ होने के लिए हेल के गेट पर वापस जाओ। देन दोनों वहां से चली जाती है।
जिसके बाद व्हाइट फॉक्स कहता है कि यहाँ का फॉरबिडन स्पेस को तोड़ दिया गया है, तो हमें यहाँ से जितने जल्दी हो सके निकलना होगा। और वो सेन से कहता है कि जल्दी करो और अपने सॉर्ट को लेकर भाग जाओ। और रही बात हमारी, तो ब्लड कॉप्स हमें नहीं खाएगा, तुम जल्दी से जल्दी इस ढलान वाले रास्ते से निकल जाओ। जब तक तुम वहाँ से निकलोगे ये रास्ता बंद हो जाएगा और इस ढलान वाले रास्ते पर ही उस ब्लड कॉप्स को दफन किया जा सकता है। सेन कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ। और वो बायु से कहता है कि ब्लड कॉप्स का टारगेट मैं हूँ, मैं ब्लड कॉप्स को डिस्ट्रैक्ट करने जाता हूँ, तब तक तुम किन्हान और फॉक्स के साथ बाहर चले जाओ, बाद में मैं भी वहीं आकर तुम्हें मिलूंगा। जिसके बाद सेन किन्हान को बायु के साथ और खुद अपनी शॉर्ट से वहां से निकलने लगता है। इधर ब्लड कॉप्स भी इनका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते व्हाइट फॉक्स इस रेस से बोर हो जाता है और कहता है कि ह्यूमन रेस भी कितनी बोरिंग होती है। और वो सेन के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने पूरे रास्ते तुम्हें ही फॉलो किया है, तो थोड़ी देर के लिए तुम मुझे फॉलो करो, ये बुरा नहीं होगा। और तभी सेन वापस टर्न होकर ब्लड कॉप्स को चकमा देकर उसी की ओर वापस अंदर बाहर करके उसे चकमा देकर भागने लगता है। और वो लगभग बाहर जाने ही वाला होता है कि ब्लड कॉप्स उसकी शॉर्ट को पकड़ लेता है। ये देखकर फॉक्स तो डर के मारे चिल्लाने लगता है कि अब क्या करें, जल्दी से चलो, इसे यहीं दफनाया जा सकता है, निकलो यहाँ से। और वो जगह फटने लगती है और ब्लड कॉप्स अंदर धंस जाता है, जिसके बाद सेन वहाँ से बाहर आ जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।